तो आज मैं बनाऊंगा चॉकलेट केक, वो भी विदाउट ओवन, पैन के अंदर। आप इसको अपने घर में कैसे बना सकते हैं स्टेप बाय स्टेप सब बताऊंगा, आपने कोई भी स्टेप मिस नहीं करना। वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन भी दबा दें। मैं गारंटी से कह सकता हूँ आपका ये फैसला आपको सबका फेवरेट बना देगा। तो चले वीडियो शुरू करते हैं। तो चॉकलेट केक बनाने की तैयारी शुरू करते हैं। सबसे पहले ये मैंने बाउल ली है, तो इसमें एक अंडा शामिल करूंगा मैं। हाफ कप मैंने चीनी का पाउडर लिया है मैंने, तो चीनी को मैंने पीस लिया था, इसको पाउडर फॉर्म में कर लिया है, तो इसको शामिल करूंगा इसके अंदर। तो इसको अच्छे से मैं मिक्स कर लूंगा। मैं चीनी को मैंने डिसॉल्व कर दी है, तो अब इसमें मेरे पास ये खाने के 5 चम्मच दूध है, इसको शामिल करूंगा इसके अंदर। और इसके साथ ही मैंने एक चुटकी नमक लिया है मैंने, तो एक चुटकी नमक शामिल करूंगा इसके अंदर। और इसके साथ ये मैंने 4 खाने के चमचे मैंने ऑयल लिया है, तो इसको ऑयल को भी शामिल कर दूंगा इसके अंदर। तो अब इसको अच्छे से मिक्स कर लूंगा मैं। तो यहाँ पे मैंने 1/2 कप मैंने मैदा लिया है, तो ये मैदा शामिल करूंगा इसके अंदर। तो सबसे पहले इस मैदे को मैं अच्छे से मिक्स कर लूंगा इसके अंदर, इस बैटर किसका अच्छे से बैटर बना लूंगा मैं। 3 चम्मच इसके अंदर कोको पाउडर शामिल करूंगा मैं, तो ये 1, ये 2 चम्मच, तो ये 3 चम्मच। तो अब इसको अच्छे से मैं मिक्स कर लूंगा मैं। इसको आपने एक साइड के ऊपर इसको इस तरह घुमाना है, इसको ऑपोजिट साइड पे नहीं घुमाना है, जिस साइड पे आप इसको घुमा रहे हैं उसी साइड पे आपने इसको हिलाते जाना इस तरह। तो ये इस तरह आहिस्ता आहिस्ता ये इस शेप में आना शुरू हो जाएगा। तो अब इसमें मैं 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर शामिल करूंगा मैं, तो ये बेकिंग पाउडर है मेरे पास, ये 1 टीस्पून मैंने शामिल कर दिया इसके अंदर। तो अब इसको भी अच्छे से मिक्स कर लूंगा मैं। तो ये अच्छे से मिक्स हो गया है। अब इसमें मैं 1 टीस्पून इसमें वनीला एसेंस शामिल करूंगा मैं, तो ये इसको शामिल कर देते हैं इसके अंदर। और इसको भी इसके अंदर अच्छे से मैं मिक्स कर लूंगा मैं। तो यहाँ पे ये हमारा बैटर तैयार हो गया है। तो अब इसको बनाने की तैयारी शुरू करते हैं, अब चलते हैं इसके अगले प्रोसेस की तरफ। तो यहाँ पे मैंने पैन लिया है, तो सबसे पहले मैं इसको ग्रीस करूंगा मैं। तो ये ऑयल के साथ इसको मैं ग्रीस करूंगा इसको अच्छे से सब जगह के ऊपर, यहाँ पे साइडों के ऊपर भी, ताकि जब केक अपने साइज में डबल होगा वो पैन के साथ चिपकेगा नहीं। तो इस तरह इसको मैं अच्छे से ग्रीस कर लूंगा मैं। तो यहाँ पे ये मैंने एक पेपर लिया, मैंने इसकी कटिंग कर ली है, तो इसको मैं रखूंगा इसके नीचे इस तरह। आप कोई भी पेपर ले सकते हैं, बटर पेपर ले सकते हैं, कोई भी पेपर बारीक सा हो उसको इस तरह काट के उसकी कटिंग करके आप उसको इस तरह नीचे सेट कर सकते हैं। तो ये बहुत ही कम चीज़ों के साथ मैं आपको टिप्स एंड ट्रिक दे रहा हूँ। तो ये इस तरह इसको भी मैं ऑयल के साथ ग्रीस कर दूंगा इस पेपर को भी। तो यहाँ भी हमारा बैटर तैयार हो गया है, तो इसकी ये थिकनेस होनी चाहिए। तो अब इसको मैं इस पैन के अंदर शामिल करूंगा मैं। तो इस तरह इसको बिल्कुल सेंटर में इसको रखूंगा मैं, और इसको आहिस्ता आहिस्ता इस तरह पैन के अंदर डालता जाऊंगा मैं। तो बाउल को अच्छी तरह मैं साफ कर लूंगा। तो यहाँ पे मैंने बैटर को पैन के अंदर डाल दिया, इसको थोड़ा सा इस तरह टैप करेंगे। तो यहाँ पे जो आपने जिस चीज का ख्याल रखना है, वो सबसे जरूरी बात यह है कि आपने जो भी बर्तन लेना है वो उसका पैंदा जो है ना वो थोड़ा सा मोटा होना चाहिए, बारीक पैंदा नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसको हम पकाएंगे तकरीबन लो फ्लेम पे इसको पकाएंगे 30 से 35 मिनट तक इसको मैं पकाऊंगा। तो उसके बाद अगर मैं इसको चेक करूंगा, अगर इसमें कोई भी मतलब अगर टाइम होगा तो मैं इसको मजीद पका लूंगा। तो लेकिन इसकी जो फ्लेम है वो बिल्कुल जो है ना वो स्लो होनी चाहिए, लो फ्लेम के ऊपर इसको आपने 30 मिनट तक इसको पकाना है। तो यहाँ पे ये अब इसको मैं करूंगा बंद इस तरह। आप कोई भी किचन टावल के साथ इस तरह इसके जो ढक्कन है उसको अच्छे से ढाँप दें, उसके बाद इसको लो फ्लेम पे रखेंगे तकरीबन 30 मिनट तक। तो चलें इसको रखते हैं अब चूल्हे के ऊपर। तो यहाँ पे मैं आपको इसकी फ्लेम भी चेक करवा देता हूँ, बिल्कुल लो फ्लेम है। तो यहाँ पे इसकी टाइमिंग कंप्लीट हो गई है, तो इसको आप चेक कर सकते हैं टूथपिक के साथ कि ये, तो ये देखिए टूथपिक, इसका मतलब है कि ये साफ आई है, तो इसका मतलब है कि ये केक रेडी है। तो आप इसको निकालते हैं पैन के बाहर। तो यहाँ पे केक को 5 मिनट हो गए, इसको मैं बाहर निकाल लूंगा। तो अब यहाँ से ऊपर से मैं इसका ये पेपर उतार लूंगा स्लो स्लो। तो ये माशाल्लाह जबरदस्त खुशबू के साथ और जबरदस्त जायके के साथ केक तैयार हुआ है। तो ये देखें कैसा जबरदस्त अंदर से बन गया है। तो ये पेपर मैंने इसका रिमूव कर दिया है।
तो आप इसको इसी तरह मजीद 5 मिनट मैं और ठंडा करूंगा, तो उसके बाद इसका अगला प्रोसेस स्टार्ट। तो यहाँ पे इसको 5 मिनट हो गए, केक ठंडा हो गया है, तो मैंने ये थोड़ा सा शीरा बनाया था इसके अंदर कोको पाउडर डाल के। तो आप कोई भी शीरा जो है ना वो बनाकर केक के ऊपर डाल सकते हैं, इससे ये है कि आपका केक जो है ना वो सॉफ्ट और बहुत ही मज़ेदार बनेगा। तो अगर आप इसमें शीरा नहीं डालेंगे तो ये केक जो है ना वो थोड़ा सा हार्ड हो जाएगा और उसमें वो जो सॉफ्टनेस है वो केक की वो नहीं आएगी, जो टेस्ट होता है केक का वो नहीं आएगा। तो ये मैं इसके ऊपर ये जो मैंने सिरप बनाया था इसको शामिल करूंगा इसके ऊपर, इस तरह इसको इस केक को मैं पिला दूंगा अच्छी तरह। तो ये देखिए किस तरह इसके अंदर जज़्ब हो रहा है। तो इसको अच्छे से मैं जो है ना वो इसको इस शीरे के अंदर डिप करूँगा। तो यहाँ पे ये मेरे पास क्रीम है, इसके अंदर मैंने 4 चम्मच चीनी के शामिल किए हैं। तो अभी इसको मैं अच्छे से बीट कर लूंगा। अब इसमें कोको पाउडर शामिल करूंगा, तो यहाँ पे ये क्रीम के अंदर कोको पाउडर को मिक्स कर दूंगा, डाल दूंगा इसके अंदर। तो अब इसको भी मैं अच्छे से बीट कर लूंगा मैं। तो यहाँ पे ये हमारी क्रीम भी रेडी हो गई है, तो अब इसको लगाएंगे केक के ऊपर। तो अब इसको मैं सारे केक के ऊपर इसको मैं स्प्रेड कर दूंगा। ये हमारा केक रेडी हो गया माशाल्लाह जबरदस्त लुक के साथ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करें, खुश रहें, आबाद रहें, दुआ में याद रखें। इसके साथ उस्मान भट्ट को दें इजाजत, अल्लाह हाफिज़।